अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सासरवा खान और आप देख रहे हैं सासरवा खान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप अपने यूट्यूब की वीडियो को एडिट करते हैं, एडिट करने के दौरान आपको कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको हाइड करनी होती है, जैसे कि यूट्यूब चैनल का ईमेल होगी, इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको शो नहीं करने होते, उन्हें हाइड करना होता है। तो आपको उन्हें किस तरह से हाइड करना है, किस तरह से उसमें ब्लर इफेक्ट आपको डालना है ताकि वो वीडियो में बिल्कुल ही नज़र ना आए, वो हाइड हो जाए। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ सब कुछ। तो ये मैं आपको काइन मास्टर में बताऊंगा क्योंकि मोस्टली लोग जो यूट्यूबर लोग हैं वो काइन मास्टर यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है, अगर है तो वो वाटर मार्क वाला है और आप ये चाहते हैं कि हमें फ्री वाला काइन मास्टर चाहिए, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आपको वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भाई के चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर भाई के व्लॉग देखने पसंद करते हैं तो उसके मेरा सेकंड चैनल है सासर व्लॉग, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी भाई को फॉलो कर दें। ठीक है, तो चलिए जी फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और राइट, मोबाइल की स्क्रीन में आ चुके हैं। अब आपने वीडियो को गौर से देखने और समझने की कोशिश करनी है। तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। काइन मास्टर ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो उसके बाद काइन मास्टर हमारे ओपन हो गया है तो प्लस के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और 16:9 में मैं चला जाता हूँ। इधर से मीडिया के ऑप्शन में जाकर मैं किसी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको भी वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो में आप जो चीज़ भी हाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए जी, मान लें मुझे यहाँ जो सब्सक्राइबर चाहिए और इस सब्सक्राइबर को मुझे हाइड करना है, उस प्लेयर को मैं यहीं पर लेकर आया हूँ। जहाँ पर भी आपको जो चीज़ भी हाइड करनी है तो इसलिए आपको वहीं लेकर आना, जैसे कि अभी मैंने किया हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको लेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करने और मीडिया से नीचे इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने और बेसिक इफेक्ट अगेन इस पे क्लिक कर देना है। देन आपको दो किस्म के गेशियन ब्लर और मोसाइक, ये दो इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो फर्स्ट वाला यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो अब हमारे पास ब्लर इफेक्ट की एक छोटा सा पॉप अप देखने को मिल जाता है और इसकी मदद से हम इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऊपर ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी मदद से हम इसे मतलब कि रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ अगर हम चाहें तो राइट साइड से भी जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी। ठीक है, तो मान लो हमें राइट साइड से ये वाला जो पोर्शन है ये हमें कट करना है। इसके लिए ट्रिम पे मैं क्लिक करता हूँ और ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, तो राइट साइड से जो भी होगा वो कट हो जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड से जो भी है, जितना भी मतलब कि आपको जितना पार्ट हाइड करना है, ठीक है, उतनी लेंथ आपको इसकी रखनी है। ठीक है, तो चलिए जी मैं ट्रिम टू लेफ्ट हेड इसे भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके हो गया, इसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो फिर मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फिर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसे सब्सक्राइबर के ऑप्शन पर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर हैड करनी है। आपको जो चीज़ भी हैड करनी है वीडियो में आपको उस पर इसे लेकर जाना, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइबर के ऑप्शन पर लिखे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी क्लिक नहीं, इसे मैं ले जाता हूँ। ओके, जहाँ तक मैं इसे लेकर गया हूँ। ठीक है, अब इधर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब कि फिर भी देखने को मिल रहा है, तो इसकी जो ना स्ट्रेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे वो बिल्कुल ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, तो देन ओके कर देंगे। तो वीडियो में आपको जहाँ जहाँ भी जो चीज़ भी ब्लर करनी है आपको इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो चलिए जब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ आपको कैसा देखने को मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं जहाँ हमने ब्लर की है वो वाला पार्ट हमारा ब्लर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि अब हम इसे स्क्रॉल अप या डाउन करें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि उसमें कोई हमारी जो ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे हमने हाइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेयर को वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा। देन लेयर कैप्शन पे क्लिक करके इफेक्ट पे अगेन क्लिक करना है, बेसिक इफेक्ट ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना है, तो देन ओके कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी लेंथ लंबाई चौड़ाई मैं उतनी ही कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ आपकी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको हाइड करनी है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर लेकर गया हूँ। ठीक है, तो इसकी सेटिंग पर क्लिक करके इसकी मैं स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ 4 पे। ओके, अब तो बेस्ट हो गया।
अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करके आपको लेफ्ट साइड से एक चाबी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मेन जो काम है ना ये चाबी का ही है, ठीक है। तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, तो देन इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपकी जो जो ना इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी। तो इसलिए आपको भी वैसे ही इस ब्लर इफेक्ट को करना है जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे या डाउन करेंगे, ओके। तो इसे मैं थोड़ा अगेन डाउन कर देता हूँ। मान लो कि ये आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल स्क्रीन अंदर स्क्रॉल तो नहीं हो रही। इसे थोड़ा आगे जाकर अगेन इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, अगेन यहाँ जाकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसकी मदद से आप इसे मैनेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस करना हो तो फिर प्लस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ, ओके। तो अभी चलिए जी मैं अगेन इसे प्ले करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से और कैसे देखने को मिल रहा है। तो गाइस जैसा कि अभी आपने देखा, हमने स्क्रॉल, अगर आप स्क्रॉल स्क्रीन को अप डाउन कर रहे हैं तो उसकी मदद से आप इस ब्लर इफेक्ट को भी वैसे अप डाउन कर सकते हैं। आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ आप हाइड करना चाह रहे हैं तो वो हाइड ही रहेगी। तो यही मेथड है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ठीक है। इसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है, जहाँ जहाँ भी आपको जो इन्फॉर्मेशन भी हाइड करनी है तो वो आप हाइड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सर बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूट्यूब एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल करें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।